मुख्यमंत्री जी बोले थे तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा क्या? देखिए, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी की बातों को की व्याख्या डायरेक्ट उस रूप में करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा तो महागठबंधन बैठकर निर्णय लेगा, और जो भी महागठबंधन निर्णय लेगा या हमारे नेता नीतीश कुमार जी निर्णय लेंगे तो उसके आधार पे तो सब लोग मानेंगे ही, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन अभी उसकी व्याख्या उस रूप में करने की जरूरत नहीं, प्रशांत किशोर, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत वाली राजनीति है उससे बचना जरूरी है, क्योंकि उससे बचेंगे तभी समाज बचेगा, तभी विकास का काम होगा और अंततः देश भी सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए इस यात्रा के प्रति लोगों का बहुत ही आकर्षण है, और चंपारण के इलाका में आज से इसकी शुरुआत है दूसरे चरण के रूप में, तो मुझको लगता है कि यहाँ भी लोगों का बहुत अच्छा आकर्षण और समर्थन दिखेगा। मुख्यमंत्री जी बोले थे तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा क्या? देखिए, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी की बातों को की व्याख्या डायरेक्ट उस रूप में करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा तो महागठबंधन बैठकर निर्णय लेगा, और जो भी महागठबंधन निर्णय लेगा या हमारे नेता नीतीश कुमार जी निर्णय लेंगे तो उसके आधार पे तो सब लोग मानेंगे ही, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन अभी उसकी व्याख्या उस रूप में करने की जरूरत नहीं। प्रशांत किशोर, मुख्यमंत्री जी बोले थे तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा क्या? देखिए, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी की बातों को की व्याख्या डायरेक्ट उस रूप में करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा तो महागठबंधन बैठकर निर्णय लेगा, और जो भी महागठबंधन निर्णय लेगा या हमारे नेता नीतीश कुमार जी निर्णय लेंगे तो उसके आधार पे तो सब लोग मानेंगे ही, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन अभी उसकी व्याख्या उस रूप में करने की जरूरत नहीं।